अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को हमने स्टडी कर लिया है, अब हम ये देखते हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में वी हैव फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड देन वी हैव डिविजनल स्ट्रक्चर। तो दो तरह के स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास, फर्स्ट इज फंक्शनल, सेकेंड इज डिविजनल। तो हम स्टार्ट करते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर पढ़ना। ठीक है, तो फंक्शनल स्ट्रक्चर में आप ऑर्गेनाइजेशन को एक ऐसे स्ट्रक्चर में बिल्ड करते हैं जिसमें एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो सब सिमिलर नेचर की होती हैं। इसे हम एक एग्जांपल लेके या एक टेबल बना के समझाते हैं। जैसे कि उस ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजिंग डायरेक्टर है, ठीक है, उस मैनेजिंग डायरेक्टर ने ये देखा कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म किए जा रहे हैं। ठीक है, तो फंक्शंस के हिसाब से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने क्या किया, मैनेजिंग डायरेक्टर ने क्या किया कि उस ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन सोच लिए कि क्या क्या फंक्शन है, राइट। उसने सबसे पहले देखा कि उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फर्स्ट फंक्शन तो आ जाएगा प्रोडक्शन। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन आ गया प्रोडक्शन, सेकंड फंक्शन आ गया मार्केटिंग, थर्ड फंक्शन आ गया आपके पास फाइनेंस, और जो आपका फोर्थ फंक्शन है वो आपके पास में आ जाता है परचेज। ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर ने क्या किया, इन फंक्शंस को चार हिस्सों में डिवाइड कर दिया कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ये फंक्शंस परफॉर्म होंगे। तो हमने इस ऑर्गेनाइजेशन को इस स्ट्रक्चर में बांटना है। अब हम ये देखेंगे जो भी हमारा फंक्शन प्रोडक्शन से रिलेटेड होगा वो एक डिपार्टमेंट बन जाएगा, जो भी फंक्शन मार्केटिंग से रिलेटेड होगा वो एक फंक्शन बन जाएगा, फाइनेंस अलग हो जाएगा और परचेज आपका अलग हो जाएगा। तो हमने क्या किया, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के पूरे काम को इन फंक्शंस के हिसाब से डिवाइड कर दिया। ये होता है हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर। अब हम इसके साथ ही डिविजनल को समझते हैं कि डिविजनल में क्या होता है। अब देखो डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, हम उस प्रोडक्ट के हिसाब से हमारे ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर देंगे। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में चार चीज़ों का प्रोडक्शन हो रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन है उसका मैनेजिंग डायरेक्टर ये डिसाइड करता है कि हम स्ट्रक्चर ऐसा बनाएंगे जो कि हमारे प्रोडक्ट्स के हिसाब से डिवाइडेड होगा। जैसे फर्स्ट उसने बनाया टेक्सटाइल्स, नेक्स्ट उसने बनाया कॉस्मेटिक्स, मेडिसिन एंड सोप्स। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इस प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर कुछ भी काम होगा, चाहे वो परचेज का हो या कुछ भी काम हो, मार्केटिंग का हो या फिर उसके टेक्सटाइल्स के प्रोडक्शन का हो, वो सब काम इसके अंडर किया जाएगा। नेक्स्ट वी हैव कॉस्मेटिक्स, कॉस्मेटिक्स का भी एक सेपरेट होगा, मेडिसिन से रिलेटेड कुछ काम होगा वो अलग स्ट्रक्चर में आएगा, एंड सोप्स से रिलेटेड कुछ काम होगा वो एक अलग स्ट्रक्चर में आएगा। सो इस तरह से हम ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर डिसाइड करेंगे। अब जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास ये चॉइस है
कि वो फंक्शनल स्ट्रक्चर डिसाइड करे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या फिर एक डिविजनल स्ट्रक्चर डिसाइड करे। अब हम देखते हैं कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में ये डिसाइड किया जाना है कि उन्हें कौन सा स्ट्रक्चर डिसाइड करना चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए हमें इन स्ट्रक्चर्स के वेरियस एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखने पड़ेंगे और ये भी देखना पड़ेगा कि ये स्ट्रक्चर जो है किसके लिए या किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल रहेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वील स्टार्ट बाय स्टडिंग फंक्शनल। हम ये देखते हैं कि फंक्शनल की एडवांटेजेस क्या हैं फंक्शनल डिपार्टमेंट को फॉलो करने की, फंक्शनल स्ट्रक्चर को फॉलो करने की। तो हम फंक्शनल की एडवांटेजेस को देख रहे हैं, ठीक है, हम फंक्शनल की एडवांटेजेस को स्टडी करते हैं। सबसे पहले आप देखो, फर्स्ट आएगा स्पेशलाइजेशन। अब जब हम फंक्शंस के हिसाब से डिवाइड करेंगे ऑर्गेनाइजेशन को, यानी कि हम डिवाइड कर रहे हैं फाइनेंस और वेरियस अदर जैसे मार्केटिंग एंड ऑल, अब जो वहाँ पे उस फंक्शन में जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो एम्प्लॉयज़ एक पर्टिकुलर फंक्शन को ही परफॉर्म करेंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि उन एम्प्लॉयज़ को उस फंक्शन को परफॉर्म करने की बहुत स्किल्स नॉलेज है और साथ ही साथ उन एम्प्लॉयज़ को उसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में काम करने का एक्सपीरियंस भी हो। सो ये सब चीज़ें क्या ऐड करेंगी, वो ऑर्गेनाइजेशन के स्पेशलाइजेशन में ऐड करेंगी कि ये फंक्शन आपका बहुत ही अच्छे से परफॉर्म हो सकेगा, राइट। अब ये कैसे होगा, क्योंकि वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो उस डिपार्टमेंट में क्वालिफाइड होंगे, अब उन्हें ये भी पता है कि उस डिपार्टमेंट का काम किस तरह से किया जाना चाहिए, उस फंक्शन को किस तरह से किया जाना चाहिए, और साथ ही साथ उनके गोल्स क्लियर होंगे कि हमें सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस पे ध्यान देना है या फिर हमें सिर्फ और सिर्फ परचेज पे ध्यान देना है, उनका दूसरे डिपार्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन में क्लैरिटी बनी रहेगी, तो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशलाइजेशन लेकर आएगा। अब देखो, जब आप फंक्शंस के हिसाब से डिवाइड कर रहे हो तो हर डिपार्टमेंट अपने हिसाब में, मतलब अपने में इंडिपेंडेंट है, वो हर डिपार्टमेंट अपना काम खुद संभाल रहा है, वो डिपार्टमेंट्स एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है काम करने के लिए। लाइक आप प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन जब आप कर रहे हो तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को क्या होगा कि वो सिर्फ और सिर्फ अपना काम संभाल रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे कि हाँ आपके फाइनेंस डिपार्टमेंट में क्या काम हो रहा है, कितना पैसा आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन में और कितना पैसा हमें आगे चाहिए। फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम सिर्फ इतना है कि उनको ये अपना काम संभालना है और अपने फाइनेंस देखने हैं, और साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का काम ये है कि उनको अपने प्रोडक्शन पे और अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पे ध्यान देना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन बनी रहेगी, वो आपस में इंडिपेंडेंट रहेंगे, इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स बने रहेंगे, और साथ ही साथ उनका एक इंटरलिंक हो रहा है जब डिपार्टमेंट्स का, तो ऐसा नहीं है वो इंटरलिंक आपको आपके काम करने से रोक रहा हो, नहीं, वो आपको अपने गोल्स के अटेनमेंट में ही हेल्प कर रहा है। सो ये आपका आ गया कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन के साथ साथ अब थर्ड आएगा, आपका एफिशिएंसी। एफिशिएंसी में हम क्या देखते हैं, एफिशिएंसी में क्या होगा, एफिशिएंसी में जब आपके काम को अच्छे से डिवाइड कर दिया है हमने, ठीक है, उस काम को डिवाइड करने के बाद आपके गोल्स अचीव होंगे, आपके जो टास्क आप कर रहे हो वो सही डायरेक्शन में करेंगे और एक प्रॉपर फंक्शनिंग होती रहेगी ऑर्गेनाइजेशन की। अब
ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉपर फंक्शनिंग का मतलब हुआ एफिशिएंसी की जब हम बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारे जो गोल्स हैं वो अचीव हो रहे हैं और जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट है वो कम है और गोल्स अचीव हो रहे हैं, कॉस्ट कम है। ये हमारा मतलब होता है एफिशिएंसी से, कि ये सब चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन में होनी चाहिए और फंक्शनल डिपार्टमेंट को फॉलो करके ये सब चीज़ें आएंगी, बिकॉज़ एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट डिसाइड कर सकता है कि उसकी क्या कॉस्ट रहेगी और उसके गोल्स क्या रहेंगे। अब देखो, नेक्स्ट हमारे पास में आता है इजी ट्रेनिंग। इजी ट्रेनिंग में जब आपके पास में ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है एक डिपार्टमेंट, यानी कि आप जैसे सिर्फ और सिर्फ आप मार्केटिंग पे ध्यान दे रहे हो, तो अब हमें उनकी जो ट्रेनिंग करनी है एम्प्लॉयज़ की वो सिर्फ मार्केटिंग पे करनी है। आपको उन एम्प्लॉयज़ का कुछ नहीं सिखाना, आपको उनको सिर्फ ये सिखाना है कि आप उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग, उस प्रोडक्ट का प्रमोशन किस हिसाब से करेंगे, उस प्रोडक्ट की सेल्स किस हिसाब से करेंगे। तो आपको सिर्फ और सिर्फ उसी पर्टिकुलर फंक्शन को लेकर उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। अब देखो, मिनिमाइजेस कॉस्ट। मिनिमाइजेस कॉस्ट कैसे हो सकता है? बिकॉज एक डिपार्टमेंट जो है वो एक फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है और दूसरा डिपार्टमेंट जो है वो दूसरा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, यानी कि कोई भी डुप्लीकेशन नहीं हो रहा ऑर्गेनाइजेशन में। फंक्शंस जो हैं वो एक ही डिपार्टमेंट के द्वारा परफॉर्म किए जा रहे हैं। सो इसमें क्या होगा कि आपकी कॉस्ट मिनिमाइज रहेगी, बिकॉज कोई भी वेस्टेज नहीं हो रहा एफर्ट्स का, और साथ ही साथ आपके रिसोर्सेज जो हैं वो सही फंक्शन के लिए और एक ही फंक्शन के लिए एलोकेट किए जा रहे हैं और उसी तरफ उन रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन हो रहा है। अब हम ये देख रहे हैं कि जो सुपरविजन है वो भी इजी बन जाएगा, बिकॉज अगर उस फंक्शन का एक हेड होगा तो उसको पता है और एम्प्लॉयज़ को भी पता है और उस हेड को भी पता है जो सुपीरियर है कि आपको क्या फंक्शन को अचीव करना है। और अगर वो फंक्शन अचीव नहीं हो रहा, जैसे कि आपका प्रोडक्शन सही क्वांटिटी में अचीव नहीं हो रहा, जो आपने गोल सेट किया था कि आपने 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं वन डे में, वो आपका प्रोडक्शन नहीं अचीव हो रहा, तो आप इजीली उसको मेकआउट कर सकते हो कि आपने वो गोल को अचीव नहीं किया और कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइजेशन में गड़बड़ हो रही है। साथ ही साथ आप एम्प्लॉयज़ को उसी डायरेक्शन में, उस फंक्शन के अचीवमेंट में गाइड कर सकते हो। देन एडवांटेजेस के बाद हमारे पास है डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस में हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं अब देखो, लेस एम्फेसिस ऑन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स पे लेस एम्फेसिस देंगे, बिकॉज अगर आप एक फंक्शन में काम कर रहे हो, आप सिर्फ और सिर्फ आप अपने प्रोडक्शन पे ध्यान दे रहे हो। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम है प्रोडक्शन करना, फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम है कि फाइनेंस अरेंज करना और ये देखना कि फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन में बना रहे। लेकिन अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल यूज़ करता जाएगा, ठीक है, और वो ध्यान ही रखेगा कि कंपनी का जो फाइनेंस है या फिर कंपनी के जो फंड्स हैं वो कितने हैं और कंपनी के गोल्स क्या हैं, तो ये जो है एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में। बिकॉज आप ये ध्यान नहीं दे रहे हो कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन करना नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल ये भी है कि कॉस्ट कम रहे, ठीक है। और सिर्फ हमें क्या करना है, हमें
जब हम फंक्शनल करते हैं तो ऐसा हो जाता है कि हम सिर्फ अब हमारे फंक्शन डिपार्टमेंट के ऊपर ध्यान दे रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन के गोल के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब इसमें ये प्रॉब्लम ये आएगी कि कोऑर्डिनेशन में कभी कभी प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे प्रॉब्लम इन कोऑर्डिनेशन में, जैसे कि अब ऐसा हो सकता है कि अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जाके बोलती है कि आप ज़्यादा मटेरियल्स यूज़ कर रहे हो जिससे हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी कॉस्ट बढ़ रही है और हमारी ऑर्गेनाइजेशन के पास इतने फंड्स नहीं है कि हम सिर्फ प्रोडक्शन के ऊपर इतना खर्चा कर सकें, राइट। और लेकिन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बोलती है कि हम तो कम रॉ मटेरियल में या कम कॉस्ट में काम नहीं कर सकते, हमें और रॉ मटेरियल चाहिए। तो इससे क्या हो सकता है, आपकी कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आ सकती है ऑर्गेनाइजेशन में। अब हम थर्ड देखते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखो, हर डिपार्टमेंट का जो फंक्शन होता है वो अलग होता है और ऐसा हो सकता है कि उनके जो व्यूज़ हैं आपस में डिपार्टमेंट्स के, वो व्यूज़ मैच ना करें और उनको एक क्लियर डायरेक्शन ना मिल पाए कि किस तरह से उनको काम करना है, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में ये हो सकता है कि आपस में डिपार्टमेंट्स, जब वो एम्प्लॉयज़ एक ही डिपार्टमेंट में काम करते आ रहे हैं और एक ही फील्ड में काम करते आ रहे हैं, तो उनको सिर्फ और सिर्फ अपने फील्ड की नॉलेज होती है, ठीक है। अगर जैसे आप एक प्रोडक्शन में काम कर रहे हो, आपको ये पता है कि आपको उस प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन रखनी है, आपको उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, आप ये नहीं सोच रहे हो कि उस प्रोडक्ट का प्रमोशन किस तरह से करना है। और अगर आपके व्यूज़ मैच नहीं करते आपस में परचेज या फिर मार्केटिंग डिपार्टमेंट के और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के, तो इस तरह से क्या हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। अब देखो, नो अकाउंटेबिलिटी। नो अकाउंटेबिलिटी का मतलब हुआ, और जो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का हेड है, आपको सिर्फ उसको ही काम बताना है। आपको ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको कोई और डिपार्टमेंट का सुपीरियर या हेड आपको बोलता है कि आपने ऐसा क्यों किया बिकॉज इस काम से दूसरे डिपार्टमेंट को हार्म हो रहा है, तो उस डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय क्या कहेगा कि आप मेरे सुपीरियर नहीं हैं, आप इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं और मैं आपको इसका आंसर नहीं दूंगा। तो इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन में आप ऑर्गेनाइजेशन को फंक्शन के हिसाब से डिवाइड तो कर रहे हो, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में आप ये देख रहे हैं कि बायस हो जाते हैं लोग और वो दूसरे चीज़ों का ध्यान नहीं रखते, वो बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड हो जाएंगे और वो अपने सेल्फ गोल्स को देखने लगेंगे, अपने सेल्फ डिपार्टमेंट के गोल्स को देखेंगे। अब देखो, जब हम इनफ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं, तो यहाँ पे जब एम्प्लॉयज़ एक ही फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो एम्प्लॉयज़ उसी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए उनको आदत हो जाएगी कि उन्हें उन्हीं फंक्शंस को परफॉर्म करना है। अगर आप ये चाहो कि आप कुछ डिपार्टमेंट्स को चेंज करना चाहते हो, आप कुछ डिपार्टमेंट्स को रिमूव करना चाहते हो और कुछ नए डिपार्टमेंट्स को लेकर आना चाहते हो, तो वो बहुत ही हसल क्रिएट कर देगा ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट बिगड़ जाएगा बिकॉज आपके एम्प्लॉयज़ जो थे वो पहले वाले डिपार्टमेंट्स में काम करने के लिए ट्रेंड थे और अभी जो डिपार्टमेंट्स बने हैं वहाँ पर जब आपको एम्प्लॉयज़ चाहिए तो आपके पास एम्प्लॉयज़ ही नहीं है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन में रिजिड स्ट्रक्चर्स बना देता है जिसको आपको चेंज करने में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है।
नेक्स्ट वी हैव सूटेबिलिटी। सूटेबिलिटी का मतलब है कि ऐसा स्ट्रक्चर किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल रहेगा। अब हम ये देख रहे हैं सूटेबिलिटी में लार्ज साइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही लार्ज साइज हैं, यानी कि जिन ऑर्गेनाइजेशन के फंड्स बहुत ज़्यादा हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत ही बड़े स्केल पे काम करती हैं, उन ऑर्गेनाइजेशन को हम इन फंक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। देन वी हैव डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज़। डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज़ का मतलब हुआ उस ऑर्गेनाइजेशन में हमने क्या किया है, फंक्शंस को डिवाइड करा है। उस ऑर्गेनाइजेशन को पता है कि इसमें क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म किए जाने हैं, मार्केटिंग, फाइनेंस वगैरह के हिसाब से। अगर आपकी एक्टिविटीज़ ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड हैं तो आप इस फंक्शन को, फंक्शनल स्ट्रक्चर को फॉलो कर सकते हैं। देन वी हैव रिक्वायर हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन। जिन ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत ही हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन चाहिए, यानी कि आपको बहुत सारे एम्प्लॉयज़ चाहिए जो एक ही फंक्शन पे कॉन्सेंट्रेट करें, और ऐसा नहीं चाहिए कि आपके एम्प्लॉयज़ जो हैं एक एम्प्लॉय कई कामों को संभाल रहा है, तो जिन ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत है आप उन ऑर्गेनाइजेशंस में इन स्ट्रक्चर को फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट अब हम डिविजनल स्ट्रक्चर की स्टडी शुरू करते हैं। अब डिविजनल स्ट्रक्चर में हमने ये देखा था कि डिविजनल स्ट्रक्चर हम प्रोडक्ट्स के बेसिस पे बनाते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे। हम उन प्रोडक्ट्स को वेरियस डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं कि इस प्रोडक्ट के अंदर, इस प्रोडक्ट के डिपार्टमेंट के अंदर वो सब काम किए जाएंगे जो भी उस प्रोडक्ट से रिलेटेड होंगे। सो इस तरह का स्ट्रक्चर हम बना देते हैं डिविजनल में। अब हम डिविजनल स्ट्रक्चर की एडवांटेजेस स्टडी करेंगे। वी हैव प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। जब आप एक प्रोडक्ट के हिसाब से एक ऑर्गेनाइजेशन में डिविजन कर रहे हो, सो उस डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो सिर्फ और सिर्फ उस प्रोडक्ट पे ध्यान देंगे, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी, कॉस्ट और वेरियस फैक्टर्स को वो ध्यान में रखेंगे। अब जब आप एक सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट के हिसाब से डिवाइड कर रहे हो, तो जो उस प्रोडक्ट के अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं, उस प्रोडक्ट के अंडर जो काम कर रहे हैं, वो बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर करते हैं। वो सारे डिपार्टमेंट्स को फॉलो कर रहे हैं, वो प्रोडक्शन भी देख रहे हैं, वो मार्केटिंग भी देख रहे हैं, वो परचेज सेल भी देख रहे हैं, वो फाइनेंस भी देख रहे हैं। तो उस वो प्रोडक्ट के लिए सारी चीज़ों को कंसिडर करेंगे, इससे क्या होगा, प्रोडक्ट में स्पेशलाइजेशन आएगा। नेक्स्ट वी हैव ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी। बिकॉज अगर आप एक प्रोडक्ट के
लिए काम कर रहे हो, आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए काम कर रहे हो, तो आपको ये पता रहेगा कि आप उस प्रोडक्ट के गोल्स को अचीव कर रहे हो, क्या आप उस प्रोडक्ट को सही क्वालिटी में बना रहे हो, क्या उस प्रोडक्ट के लिए आपके पास सही तरह से फंड्स हैं या नहीं हैं। तो हर एम्प्लॉई को इन सब फंक्शंस का ध्यान रहेगा, और अगर अगर उस एम्प्लॉई को इन सब चीज़ों में कुछ प्रॉब्लम आती है या फिर इन सब चीज़ों के लिए एम्प्लॉई को रिपोर्ट करना है उसके सुपीरियर को, तो वो आसानी से उस सुपीरियर को रिपोर्ट कर सकता है, बिकॉज आपकी जो परफॉर्मेंस होगी वो उस प्रोडक्ट के लिए आप इजीली मेजर कर सकते हो कि आप उस प्रोडक्ट के लिए सही तरीके से काम कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे। अब देखो फ्लेक्सिबिलिटी। अब हम ये देखते हैं कि उस प्रोडक्ट के अंदर काम करने वाले, उस प्रोडक्ट के लिए काम करने वाले लोग जो हैं वो वेरियस फील्ड्स में ट्रेंड है। उन को ये भी पता है कि आपको प्रोडक्शन कैसे संभालना है, उनको ये भी पता है फाइनेंस कैसे संभालना है, ठीक है। और तो इससे क्या होगा, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक और नया प्रोडक्ट भी लेकर आ रहे हो, जैसे कि हमने देखा था एक ऑर्गेनाइजेशन टेक्सटाइल्स बना रही है, कॉस्मेटिक्स बना रही है, मेडिसिंस बना रही है, सोप्स बना रही है, और साथ ही साथ आप ये देखते हो कि ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, एक नया प्रोडक्ट लेकर आ रही है, तो उस नए प्रोडक्ट के लिए आप इन एम्प्लॉयज़ को ही आगे कह सकते हो उस प्रोडक्ट को संभालने के लिए, बिकॉज़ ये एम्प्लॉयज़ जो हैं वो सब डिपार्टमेंट्स का काम जानते हैं। अब देखो जब आपके पास आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इतने ट्रेंड एम्प्लॉयज़ हैं कि वो सारा काम संभाल सकते हैं, तो ऑब्वियसली एक ऑर्गेनाइजेशन सोचेगी कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन में वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन करे, ठीक है। वो अपने लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स को इंक्रीज़ करेगी, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स और न्यू प्रोडक्ट्स बनाने की कोशिश करेगी। जैसे अभी हम देखते हैं बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना रही है, जैसे हम नेस्ले की बात करते हैं, नेस्ले की जब हम बात करेंगे तो नेस्ले की चॉकलेट्स भी आती हैं, नेस्ले का मिल्क भी हमें मार्केट में मिलता है, नेस्ले की हमें कैंडीज़ भी मार्केट में मिलती हैं। सो नेस्ले जैसी कंपनी जो है वो बहुत चीज़ों का प्रोडक्शन कर रही है। अब नेस्ले की नूडल्स भी आती हैं, तो ऑब्वियसली ऐसी बड़ी कंपनीज क्या करेंगी, वो इनको अपने जो लाइन ऑफ प्रोडक्ट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपैंड करने की कोशिश करेगी, जिससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपेंशन और ग्रोथ आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉलोइंग अ डिविजनल स्ट्रक्चर। अब देखो कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे। कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों आएंगे, बिकॉज जो आपकी जॉब्स का एलोकेशन है इस डिविजनल स्ट्रक्चर में वो सही तरह से नहीं किया जाएगा, बिकॉज सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो हर गोल के लिए काम कर रहे हैं। मतलब हर एम्प्लॉय ये देख रहा है कि फाइनेंस क्या होगा, हर एम्प्लॉय ये देखेगा कि प्रोडक्शन कितना होगा। सो क्या इससे एक ऑर्गेनाइजेशन में स्मूथ वर्किंग बनी रहेगी, नहीं, बिकॉज अगर सारे एम्प्लॉयज़ काम करने लगेंगे एक ही वे में और वो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को बहुत सारे एम्प्लॉयज़ संभालेंगे, सो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स होना बहुत ही ऑब्वियस हो जाता है कि सारे एम्प्लॉयज़ के व्यूज़ आपस में मैच नहीं करते। ये जो डिविजनल स्ट्रक्चर है ये आपको बहुत ही कॉस्टली पड़ता है। कॉस्टली क्यों पड़ेगा डिविजनल स्ट्रक्चर, बिकॉज आप एक प्रोडक्ट के लिए आपको वेरियस चीज़ों को देखना है, आपको ऐसे एम्प्लॉयज़ को हायर करना है जो आपके सारे काम को संभाल सके,
और साथ ही साथ आपको वेरियस प्रोडक्ट्स के अंदर अलग तरीके से फंक्शंस परफॉर्म करने हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक मशीनरी का यूज़ कर रहे हो तो वो मशीनरी आपके टेक्सटाइल्स में भी, आपकी कॉस्मेटिक्स में भी काम करेगी और आपके सोप्स बनाने में भी काम करेगी। नहीं, आपको हर प्रोडक्ट के लिए अलग मशीनरी चाहिए, हर प्रोडक्ट के लिए अलग पर्सनल चाहिए, अलग टेक्नोलॉजी चाहिए। सो वो सब चीज़ें जब हम ध्यान में रखते हैं तो हमारी कॉस्ट जो होती है वो बढ़ जाती है। अब देखो, इग्नोरेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं आप उसको इग्नोर कर देते हो। आप सिर्फ और सिर्फ आपके जो डिपार्टमेंट है या फिर जो आपका प्रोडक्ट है, आप सिर्फ और सिर्फ उस प्रोडक्ट पे ध्यान दे रहे हो, ठीक है। तो उस प्रोडक्ट पे ध्यान देने के लिए आपने क्या किया, आपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को इग्नोर कर दिया। तो ये थी आपकी डिसएडवांटेज। अब हम ये देखते हैं कि डिविजनल स्ट्रक्चर किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल रहेगा। अब देखो, हमें सूटेबिलिटी में ये देखना है कि लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो लार्ज तो हैं ही हैं और साथ ही साथ वेरियस प्रोडक्ट्स भी बना रही हैं, ठीक है। जो ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना रही हैं, वो जिन ऑर्गेनाइजेशंस को स्पेशलाइजेशन चाहिए, ठीक है, एंड ईच प्रोडक्ट इज सेल्फ कंटेन्ड, यानी कि उस प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट है जिस प्रोडक्ट में आपके पास वेरियस फंक्शंस है परफॉर्म करने के लिए और उस प्रोडक्ट का काम आप सेल्फ उस प्रोडक्ट में डिवाइड करके ही संभाल सकते हो। जैसे आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो, फॉर एग्जांपल आप टेक्सटाइल्स बना रहे हो या फिर आप सोप बना रहे हो, तो आप ये देखते हो कि उस सोप के लिए आप प्रोडक्शन को संभाल सकते हो या नहीं संभाल सकते, उसके फाइनेंस को संभाल सकते हो या नहीं संभाल सकते। तो आपने क्या किया, सोप के अंदर भी आपने वेरियस डिपार्टमेंट्स को देखा कि उस डिपार्टमेंट्स का काम संभल सकता है या नहीं संभल सकता, या फिर उसमें वेरियस फंक्शंस होंगे या फिर नहीं होंगे। विच वॉन्ट्स एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, ऐसी कंपनीज जो चाहती हैं वो अपने आप को एक्सपैंड करें, वो वेरियस प्रोडक्ट्स बनाएं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करें, ऐसी कंपनीज इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर सकती हैं।
अब ऑर्गेनाइजिंग में अब हमें ये देखना है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन किस किस टाइप की हो सकती है, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजिंग में अब हम इसको दो तरह में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड देन वी हैव इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हम स्टडी कर रहे हैं ये बेसिकली हम ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख रहे हैं कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इसको आप एक डिफरेंस भी लिख सकते हो कि फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिफरेंस आ जाते हैं। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो डेलीबरेटली फॉर्म करेंगे हम, और इनफॉर्मल आप स्पॉन्टेनियसली फॉर्म करेंगे, ठीक है। डेलीबरेटली फॉर्म कर रहे हैं और इसको आप स्पॉन्टेनियसली फॉर्म कर रहे हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, जब आप दो तरह में ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंशिएट करोगे, एक आप बोलोगे फॉर्मल, एक आप बोलोगे इनफॉर्मल। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, एक ऐसा स्ट्रक्चर बना रहे हो आप ऑर्गेनाइजेशन में जो आप सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस को या एक सर्टेन स्ट्रक्चर को फॉर्म करके आप खुद बना रहे हैं। लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो खुद ब खुद बन जाता है, जो लोगों के लाइक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे बन जाता है, और ऐसा नहीं है कि उस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को फॉलो करने के लिए आपको सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस चाहिए। इसलिए हम इसको बोलते हैं इनफॉर्मल, बिकॉज उसमें कोई एज सच कोई रिजिडिटी नहीं है, और ये होता है फॉर्मल। देन नेक्स्ट पॉइंट वी हैव ये, आप क्यों बनाओगे फॉर्मल स्ट्रक्चर, आप बनाओगे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए। एंड देन ये वाला आप बनाओगे साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए, ठीक है। ये आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए बनाएंगे, और ये आप बनाएंगे साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए। मतलब कि जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में फ्रेंड्स का ग्रुप बन रहा है, और फ्रेंड्स के ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन में जब काम कर रहे हैं तो वो उसी दौरान बनाए। तो ये आपने कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बनाए हैं कि आप इस तरह से अपना ग्रुप बनाइए फ्रेंड्स का, और आप ये देखते हैं कि लंच टाइम वो फ्रेंड्स का ग्रुप आपस में लंच कर रहा है बैठ के। तो ये एक इनफॉर्मल स्ट्रक्चर बना ऑर्गेनाइजेशन में, और ये साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए बना, बिकॉज अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे अपने कोलीग्स के साथ या फिर अपने पीयर्स के साथ में एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर मेंटेन करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि आप बहुत ही कॉन्फिडेंट फील करोगे, और आपको एक होम लाइक एटमॉस्फेयर मिलेगा, आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने कोलीग को जानते हैं और आप अपने जान पहचान के लोगों के साथ ही काम कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि ये जो होता है ये रिजिड होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है। अब इसमें अकाउंटेबिलिटी जो होगी वो मैनेजमेंट के हिसाब से होगी, या फिर उसकी ड्यूटीज़ के हिसाब से अकाउंटेबिलिटी होती है। और यहाँ पे कोई ऐसा अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, बस एक पर्सनल क्वालिटी को आपने मेंटेन करके रखना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, यहाँ पे जो लीडर्स होते हैं वो इन चीज़ों को मैनेज करते हैं
यहाँ पर एज सच कोई आपके पास लीडर्स नहीं होंगे, बस ये देखना है कि ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट जो है इन्वायरमेंट प्रॉपर बना रहे और जो लोग हैं वो एक दूसरे को गाइड करते रहें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब देखो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करने के एडवांटेजेस हम देख रहे हैं। अब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या एडवांटेजेस रहेंगे। फर्स्ट वी हैव सिस्टमैटिक वर्किंग, ठीक है। जब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आप बना रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं, ठीक है। उन रूल्स एंड रेगुलेशंस के बने होने से क्या होगा, एक सिस्टमैटिक वर्किंग रहेगी ऑर्गेनाइजेशन में और सब क्या होंगे उन रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से और ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम्स के हिसाब से काम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में आता है अचीवमेंट ऑफ गोल्स। ठीक है, अचीवमेंट ऑफ गोल्स में क्या होगा कि जब आप फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो कर रहे हो तो सर्टेन प्लान्स आपके ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से जो बने हुए हैं आप उन प्लान्स को फॉलो कर रहे हैं, आप एक रिजिड एटमॉस्फेयर में काम कर रहे हैं जहाँ पे कोई भी लीनियंसी नहीं मिल रही है आपको और बहुत ही रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ और एक प्रॉपर और गोल्स के अचीवमेंट के लिए आपको काम करना है, तो इससे क्या होगा आपके गोल्स अचीव होंगे और ऐसे में आपके गोल्स जो हैं वो सही टाइम पे भी आप कह सकते हो कि सही टाइम पे आप उनको अचीव कर पाओगे बिकॉज सबको उनके सिस्टम्स और ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स के बारे में पूरी नॉलेज रहती है। नेक्स्ट हमारे पास में आ जाता है नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क। ठीक है, तो जब आपके पास में पूरा डिपार्टमेंट्स डिवाइड होंगे सब कुछ होगा तो इससे क्या है ओवरलैपिंग नहीं होगी काम की। नेक्स्ट होगा कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब कि जब सारे डिपार्टमेंट्स और सारी चीज़ें जो हैं डिवाइडेड रहेंगी तो आप इजीली उनको कोऑर्डिनेट कर सकते हो जब आपको पूरे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को देखना है। बिकॉज जैसे कि प्रोडक्शन और फाइनेंस का एग्जांपल लेते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को अगर रॉ मटेरियल ख़रीदना है तो ऑब्वियसली वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास जाएगी कि हमें कुछ फंड्स चाहिए रॉ मटेरियल को ख़रीदने के लिए, तो एक कोऑर्डिनेशन बना रहेगा बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन एक डिपार्टमेंटलाइज्ड वे में काम कर रही है। नेक्स्ट वी हैव आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक चेन ऑफ कमांड बनी रहेगी, यानी कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में सुपीरियर और सबऑर्डिनेट डिसाइडेड होंगे कि कौन सुपीरियर है कौन सबऑर्डिनेट है, किसको किसको रिपोर्ट करना है और किसको किस पर्सन को जाके ड्यूटीज़ असाइन करनी है। सो ये एक चेन ऑफ कमांड बनी रहेगी कि मतलब कौन किसको जाके ऑर्डर करेगा काम के लिए। ठीक है, सिक्स्थ हमारे पास में आ जाता है मोर एम्फेसिस ऑन वर्क। मोर एम्फेसिस ऑन वर्क का मतलब होता है कि
आप जब आप फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस को और एक रिजिड स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप फ्रेंड्स बना के बैठे और आप उनसे बातें कर रहे हैं, नहीं। जब आप काम कर रहे हैं तो आपको ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। देन अभी हमने एडवांटेजेस देखी, देन हम देखते हैं डिसएडवांटेजेस। फर्स्ट, सबसे पहले हमारे पास में फर्स्ट आ जाता है इग्नोर्स सोशल नीड्स ऑफ एम्प्लॉय। अब जैसे ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम फ्रेंडली एटमॉस्फेयर मेंटेन करके रखें, ठीक है, हम लीनियंसी रखें, तो इससे क्या होगा, सोशल नीड्स एम्प्लॉय की फुलफिल रहेंगी। अगर उसके पास फ्रेंड्स होंगे तो ऑब्वियसली वो सोशली इंटरैक्ट करेंगे आपस में, तो ये सब चीज़ें जो हैं एम्प्लॉय की सोशल नीड्स में आ जाती हैं और वो एम्प्लॉय को गोल्स को हेल्प करने में अचीव करती हैं। लेकिन आप अगर इतना रिजिड स्ट्रक्चर बना देंगे जिसमें एम्प्लॉयज़ को आपस में बात करने के लिए भी परमिशन नहीं मिल रही है, अगर उस ऑर्गेनाइजेशन का रूल ऐसा है कि आप एक दूसरे से बात नहीं कर सकते काम के टाइम पे, तो क्या आपको लगता है कि एक एम्प्लॉय अगर 6 से 7 घंटे के ऑर्गेनाइजेशन में स्पेंड कर रहा है तो वो किसी से बात भी ना करे? सो ये क्या होता है, एम्प्लॉय का मोराल कहीं ना कहीं उसको डाउन करेगा, एम्प्लॉय के मोराल को। ओनली अपॉन वर्क, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अगर काम पे ध्यान दे रहे हो और बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे हो कि आपको एम्प्लॉयज़ को अच्छा रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड करना है, आपको एम्प्लॉयज़ की हेल्थ का ध्यान रखना है, आपको एम्प्लॉयज़ के लिए एक प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करके रखनी है ऑर्गेनाइजेशन में, और आप बाकी सोशल नीड्स का ध्यान नहीं रख रहे हो और सिर्फ आपने रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए कि जैसे आपने बॉस आपको कहे आपको बस वैसे ही काम करना है, सो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। इम्फेसिस ओनली अपॉन वर्क से एक डिसएडवांटेज आ जाती है ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट वील स्टडी एडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के एडवांटेजेस क्या रहेंगे, अब हम वो देखते हैं। अब देखो, फास्ट कम्युनिकेशन का मतलब होगा कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में एक फ्री फ्लो है कम्युनिकेशन का, मतलब हर पर्सन किसी से भी इंटरैक्ट कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उससे क्या बेनिफिट मिलेगा कि आप फास्ट कम्युनिकेशन कर सकते हो, आपको एक सर्टन स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करना पड़ेगा कि एक पर्सन जाके अपने बॉस को बोल रहा है, फिर वो बॉस जाके अपने सुपर बॉस को जाके कुछ बात बोलेगा, या आपस में ही अगर आप फ्रेंड्स का एग्जांपल लेते हैं तो वो भी बहुत जल्दी आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब जब आप इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हो तो इससे आपके सोशल नीड्स जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ के, वो आप एम्प्लॉयज़ के सोशल नीड्स को भी फुलफिल कर सकते हो। देन वी हैव फीडबैक। जब आप ऑर्गेनाइजेशन में
एक इंटरैक्टिव एटमॉस्फेयर मेंटेन करके रख सकते हैं। तो जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं वो अपने आप को फ्री समझते हैं, वो ये समझते हैं कि हाँ अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है ऑर्गेनाइजेशन में तो वो इजीली अपने एम्प्लॉयज़ को जाके या फिर अपने बॉस को जाके, अपने सुपीरियर को जाके रिपोर्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर उनको ऑर्गेनाइजेशन की कोई चीज़ पसंद है तो वो उस चीज़ को जाके भी उस चीज़ का फीडबैक दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आ जाती है डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस में सबसे पहला डिसएडवांटेज है स्प्रेड र्यूमर्स। रूमर्स जब स्प्रेड होंगे यानी कि आप सब ऑर्गेनाइज क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में काम कम हो रहा है और आपस में लोग बातें कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं और एक दूसरे के बारे में रूमर्स फैला रहे हैं, तो ये ऑर्गेनाइजेशन में एक अनहेल्दी एटमॉस्फेयर बना देता है। जब आप काम की तरफ ध्यान ना देकर लोगों पर ध्यान दे रहे हैं और उनके लिए बातें कर रहे हैं तो रूमर्स स्प्रेड हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, नो सिस्टमैटिक वर्किंग। नो सिस्टमैटिक वर्किंग का मतलब होता है कि अब जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी सिस्टम नहीं बना, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में आपने कोई सिस्टम ही नहीं बनाया जिस सिस्टम को फॉलो करके आप काम कर रहे हो, तो इससे क्या होगा, आपके गोल्स अचीव नहीं हो रहे हैं टाइम पर और बहुत ही हसल रहेगी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, जब आपके गोल्स अचीव नहीं होंगे तो ऑब्वियसली वो एम्प्लॉय को भी परेशान करेगा और एम्प्लॉय की ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बुरा रहेगा। अब देखो नेगेटिव रिजल्ट्स में क्या हो सकता है कि अगर आप इस तरह का सिस्टम मेंटेन कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में तो ऐसा हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो आपके गोल्स हैं वो अचीव ना हो पाएँ और आप उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक डिसएडवांटेज क्रिएट कर दें, ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दें कि ऑर्गेनाइजेशन में गोल्स अचीव नहीं हो रहे और ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट हो सकता है कि आप मैनेजमेंट को ये चीज़ें ख़राब कर दें। अब ऐसे स्ट्रक्चर में क्या होगा, ऐसे स्ट्रक्चर में आप सिर्फ इंडिविजुअल इंटरेस्ट का ध्यान दे रहे हैं, उसको ध्यान दे रहे हैं, आप ये नहीं देख रहे हैं यहाँ पर एडवांटेजेस में कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को भी हमें अचीव करना है। हम सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय की सोशल नीड्स को देख रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को देख रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका फिनिश होता है फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन।